वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ग्लूगन के बारे में। इसे हॉट ग्लूगन बोलते हैं और इसे क्राफ्ट वर्क में या घर का भी कोई मटेरियल हमें पेस्ट करना हम उसमें यूज़ कर सकते हैं इजीली, और ये बहुत जल्दी चीज़ों को पेस्ट कर देती है। आप पेपर, क्लॉथ, वुडन का कोई मटेरियल है, कोई ब्रेक हो गया तो आप इस ग्लूगन से पेस्ट कर सकते हैं। ये 40 वाट की है, मेरे पास यहाँ पे 40 वाट लिखा हुआ है, और ये 40 to 60 वाट की जो आती है वो हमारे क्राफ्ट वर्क में यूज इजीली हो जाती है। हमें वो बहुत है, हम उससे आराम से वर्क कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से दिखती है। ये इसका नीचे स्टैंड है, ये ऐसे रखी जाती है स्टैंड पे, और इसके पीछे आप होल देख रहे हैं और यहाँ भी एक होल है। तो इसके अंदर ग्लू स्टिक आती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी। वो इसके अंदर हम लगाते हैं, और ये जो नीचे का पार्ट है ये प्रेसिंग है, इससे हम प्रेस करते हैं वो ग्लूगन को आगे की तरफ। और यहाँ इसके ये कॉन बना हुआ है और यहाँ से ग्लूगन निकलता है। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जहाँ पे भी हम ग्लूगन को यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन, एसी वगैरह, हमें थोड़ा सा कम चलाना चाहिए। ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ग्लूगन जैसे ही निकलती है वो तुरंत सूखने लगती है, ठीक है। जब भी आप इसका यूज़ करें तो फ़ैन या एसी को थोड़ा कम कर लें, इस तरीके से आप यूज़ करें इसे। और जब हम इसे प्लग इन करते हैं तो 5 मिनट में ये गर्म भी हो जाती है और यहाँ से ग्लू निकलने लगता है। इसके साथ ये ग्लू गन, ये ग्लू स्टिक है, इसका यूज़ करते हैं हम। और इसका जो प्राइस है वो 180 to 200 की रेंज में आपको इजीली ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी, आपके आसपास जो भी है आप परचेस कर सकते हैं ईजीली। इसे इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप ये जो ग्लू स्टिक है ये आता ही है, मैंने अभी बताया 180 to 200 की रेंज में आ जाएगी, 40 वाट की है ये। और ये इसके साथ ग्लू स्टिक, इसका प्राइस 10 रुपीज़ होता है। वन ग्लू स्टिक जो आती है वो 10 रुपीज़ की मैंने परचेस की है, और मैंने जो ये ग्लू गन परचेस किया वो 180 का मैंने इसको परचेस किया है। अब ये इस ग्लू जो स्टिक है उसको हम इसके अंदर डालते हैं और ऐसे जितना हमसे प्रेस होता है हम उतना प्रेस कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करना है हमने। और उसके बाद फिर हम इसको इस तरीके से, स्टैंड है ये, स्टैंड पे इस तरीके से हम इसे रख देते हैं और फिर इसको प्लग के अंदर हम लगाते हैं। ये एक्सटेंशन है, मैं इसके अंदर इस तरीके से इसको लगा देती हूँ। स्विच ऑन है अभी, ये थोड़ी देर में, 5 मिनट का टाइम तो खैर लेती है ये, और 5 मिनट में ये अभी गर्म होने लग जाएगी और इसके अंदर से यहाँ से ग्लू आने लगेगा। ये देखिए, जब ये गर्म होने लगती है तो इसके आगे के पॉइंट से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से अपने आप ग्लू बाहर आने लगती है। इट मीन्स कि ये गर्म हो रही है, हॉट हो रही है, ये लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। और इधर बिल्कुल अपने हैंड को सेफ करके चलना है, ये बहुत गर्म होती है, जो इसकी नोब है बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए हमें इससे थोड़ा सा हाथ को बचा के चलना होता है कि हमारा हाथ ना जल जाए। 40 वाट की है, ठीक है, हाई वाट की भी आती है इसलिए बहुत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम काम करें फटाफट बाई चांस हमारे हैंड पर लग गई है तो बर्न होने का डर रहता है, तो इसलिए बिल्कुल सेफ्टी। अगर ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है तो थोड़ी सी डेंजरस भी है, क्योंकि एक तो हम इसे ये बहुत गर्म हो जाती है, हाथ वाथ जलने का इससे थोड़ा सा डर रहता है, तो अपने हाथ को, हैंड को सेफ करते हुए काम करेंगे, ठीक है। ये एक मैजिकल है हमारे लिए जो हम क्राफ्ट वगैरह करते हैं। आप इससे क्लोथ भी पेस्ट कर सकते हैं, वुडन स्टिक वगैरह, वुडन का कोई मटेरियल है वो भी पेस्ट कर सकते हैं। देखो अपने आप इसमें से ये निकलने लगे, इट मीन्स कि ये गर्म हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम इसको और गर्म होने देंगे। और इसका यूज़ करने का तरीका क्या है, जैसे अभी ये थोड़ी गर्म हुई है, थोड़ी सी ये बाहर आने लगी, तो अभी हम नहीं यूज़ करेंगे इसे, थोड़ा सा हम और गर्म होने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, फिर हम थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करेंगे अपने हैंड को, ये एकदम लिक्विड फॉर्म में बाहर आने लगेगी। अगर हम जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ और थोड़ी सी ग्लूगन बाहर निकल रही है, इसी से हम पेस्ट करने लगेंगे तो हमारा मटेरियल जो भी हम पेस्ट करेंगे वो जल्दी से हट जाएगा, पेस्ट नहीं होगा, इसलिए अच्छी तरह इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं हम, ताकि ग्लू आसानी से इसमें से थोड़ा सा निकलेगी। और उसके बाद फिर हम इससे पेस्ट करके देखेंगे कि कैसे ये पेस्टिंग में वर्क करती है। देखिए अब निकल, और इसका एक तरीका और है पेस्ट करने का, जब हम पेस्ट करते हैं इसके पास से ना धागे निकलते हैं,
वो धागे कैसे निकलते उसको भी तरीका है कि हम कैसे पेस्ट करते हैं। लाइक जैसे ये पेपर है मेरे पास, ठीक है, इस पेपर पे जैसे मुझे पेस्ट करना है, तो मैं इस पेपर पे इस तरीके से इसको थोड़ा सा निकाल के और टच करते हुए इस तरीके से मैंने हटाया है, और मैं इसको इतनी देर तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, जैसे हमने लगाया है वैसे ही हम इस पेपर को इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर दें, ठीक है, और थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखना, तब आपका पेपर पेस्ट होगा। मेरे पास क्वेश्चंस आए थे इस चीज़ के लिए कि मैम हम पेस्ट करते हैं पर वो हट जाता है बाद में। वो हटता इसलिए है कि जैसे आपने ग्लू गन लगाई है वैसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लू गन लगाया है और इस तरीके से उसको साथ में लाते हुए मैं यूं हटा के, मैंने ऐसे नहीं कि ऐसे लगा के और यूं लेके जा रही हूं, ऐसे अगर मैं करूंगी तो वो धागे ही हटाएगा। ऐसे आप फटाफट ग्लू लगाएंगे, जो भी आपको पेस्ट करना है आप पेस्ट करेंगे, फैन एसी को कम रखेंगे, फैन आपका तेज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बाहर निकलते ही ठंडी होने लगती है, ठीक है। अब जैसे ये स्टिक है, हमें अब हम ग्लू से पेस्ट करते हैं तो टाइम लगता है, हमें अगर इसे पेस्ट करना है तो हम जल्दी से यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। आपको ऐसे जो भी चीज़ पेस्ट करनी है आप इजीली कर सकते हैं, आप क्लोथ पेस्ट कर सकते हैं, आपका कोई बटन हटा हुआ है या कोई डिज़ाइन आपकी ड्रेसर ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन है वो हट गया है, आप इस तरीके से उससे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे भी एक स्टिक को पेस्ट करूँगी, और अगर मुझे स्टिक से कुछ भी बनाना है तो मैं इस तरीके से उसको फटाफट पेस्ट करते हुए, और ये देखो ये अच्छे से पेस्ट हो गया है, पेस्ट करते हुए मैं उसे जल्दी से बना लूँगी। जितना भी क्राफ्ट वर्क करते हैं हम, ठीक है, जितना भी हम क्राफ्ट वर्क करते हैं उसमें ये गैजेट हमारे बहुत काम आता है। जो काम पहले करने में हमें आधा घंटा या 1 आवर लग जाता था कि अभी सूखेगा ग्लू फिर उसके बाद हम दूसरी पेस्टिंग करेंगे, आप इससे 5 मिनट में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं ग्लू गन यूज़ करती हूँ, फेविकॉल भी वहाँ पे यूज़ होता है, दूसरी जो ग्लू होती है वो भी यूज़ हो जाती है पर वो टाइम लेती है, तो उसके लिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और मैंने बोला वुडन हो गया, क्लोथ, पेपर, इससे आप हर चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। बस पेस्ट करने का तरीका यही है कि जैसे ग्लू गन बाहर आ रही है और जैसे मैंने पेपर रखा, ऐसे ही आप कोई पेपर रखें पास में और उसके ऊपर रखें, नहीं तो ये गिरेगी। जैसे अपने आप बाहर आने लगे आप इसका स्विच ऑफ कर दीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद जैसे आपको लगा कि ठंडी हो गई है तो आप स्विच ऑन कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर ये गर्म है और आपने लगा के रख दिया, प्लग नहीं हटाया है, काम आप धीरे धीरे कर रहे हैं, वो सारी मेल्ट होते, ये जो ग्लू स्टिक है मेल्ट होके सारी बाहर आती रहेगी, तो ये भी वेस्टेज है। तो इसका यूज़ यही है कि जब तक आपने काम करना है अपना प्रिपेयर रखो मटेरियल, और पास में बैठ के आप इससे फटाफट, मैं 5 मिनट बोल रही हूँ, 5 मिनट से भी कम का टाइम लगता है ग्लू गन से किसी भी चीज़ को पेस्ट करने में या काम कंप्लीट करने में। आप जैसे कोई भी बड़ी चीज़ बनाते हैं, आप कोई अभी कृष्णा जी का था झूला बनाना है, आपने गणेश जी के जो मुकुट वगैरह बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, आप इजीली इससे वर्क कर सकते हैं, पेपर वर्क कर सकते हैं, क्लोथ वर्क कर सकते हैं, वुडन वर्क कर सकते हैं, हर तरीके का काम आप इससे कर सकते हैं। अब और भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका वो क्लियर करूँगी। बाकी ग्लू गन के बारे में जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं, बस ये सेफ्टी पॉइंट ये है कि अपने हाथ को यहाँ से बचा के चलना है, हम इसके ऊपर अपना हैंड नहीं लगाएंगे, ये बहुत गर्म हो जाता है, जो ग्लू निकलती है वो अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारा हैंड बर्न हो सकता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आज के हमारे वीडियो में हम यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है और कैसे इसकी सेफ्टी रखनी है। जैसे काम ख़त्म हो गया अब हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे। जितना भी क्राफ्ट वर्क करते हैं आप एक बार इससे करके देखिए, जितना भी क्राफ्ट वर्क है, कोई बड़ा आइटम बनाते हैं, स्मॉल बनाते हैं, जैसे भी आप बनाते हैं, आप इसको यूज़ करके देखिए, ये आपके लिए एक गैजेट से कम नहीं होगा कि इंस्टेंट पेस्टिंग करनी है, कुछ बनाने का मन हुआ है तो ये बहुत जल्दी वर्क करता है और उससे हमारा वर्क कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये जो इसकी स्टिक है, अगर ये अंदर चली जाती है और प्रेस करने के बाद, जैसे आप यूज़ कर लेते हैं इसे पूरा, मेल्ट होकर इधर आ जाती है, प्रेस करने के बाद भी आगे प्रेस नहीं होती है, तो आप इसी तरीके से इसी हॉल में दूसरी ग्लू गन डालेंगे इस तरीके से प्रेस करने के लिए और फिर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और
इसको अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद यूज़ करना है। अगर ये हल्की गर्म है उसमें आपने पेस्टिंग की, तो आपकी पेस्टिंग तो हो जाएगी लेकिन सम टाइम बाद फट जाएगी। सबसे बड़ा रीज़न ही यही है, फ़ैन एसी को कम रखना है और फिर इसे यूज़ करना है। और इसके स्टैंड पे इस तरीके से आप इसे रखें और सेफ्टी से यूज़ करें तो ये बहुत यूज़फुल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।